बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। बाखबर सवेरा अगर नहीं देखा आपने तो कुछ नहीं देखा। बाखबर सवेरा में एक बार फिर बहुत 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 ईद मुबारक हो। इस वक्त हम ARY के स्टूडियो से आप लोगों के लिए लाइव हैं। पूरी दुनिया में हमें देखा जा रहा है, पाकिस्तान में हमें बहुत जगह देखा जा रहा है। आप सब लोगों को बहुत सारी मोहब्बतों के साथ, दुआओं के साथ। और अब बारी है यहाँ पर बाखबर सवेरा में सेहतमंद सवेरा की, जागा हुआ सवेरा की। नया क्या है, वीकेंड हैपनिंग्स और पता नहीं क्या क्या, क्योंकि आज संडे का दिन है, आज कोई हमारा शो ही नहीं होता, लेकिन आज ईद का दिन है। हमारे तमाम पैनलिस्ट और यहाँ करें मास्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। ये फैसल, सीमा, कामरान, मिस्टर हुएवर, रुक्साना, समेता, आप सब लोगों को थोड़ी देर में आपकी मुलाकात होगी गुलफशा से, फिर आपकी मुलाकात होगी आयशा से। सब आते जाएंगे, जाते जाएंगे, क्योंकि ये ईद का लाउंज है। यहाँ पर आज हम सब बैठ के जो है गप्पे मारेंगे और कलेजी भी बन के आई हुई है। किसकी तरफ से भला? गुलफशा की तरफ से। गुलफशा वो होती है, बैलेंस डाइट लें, लो फैट चीज़ें खाएं, कलेजी खा लें, एक आध कलेजी खा लें, लेकिन ज़्यादा मत खाएं, पूरी प्लेट भर के लिए घर से के लिए, है ना? यार मैं खाऊंगा जो कलेजी पसंद है। पूरी रात बस उसकी तैयारी श्यारी, हाँ। बकरे वकरे ये वो गाय, फिर दूसरे दिन कुर्बानी सुबह से शुरू। हम लोग अपनी मदर के घर करते हैं, तो सारे सब इकट्ठे होते हैं, मामू खाला बहन भाई मेरे तो मैरिड है, सब वहीं पर कुर्बानी। मजा आया वाकई, वो चूड़ियाँ चूड़ियाँ बच्चों का मेहंदी, मैंने तो ये लगाई, लेकिन इतना बिजी रहे ना यार, फिर सब उसमें पैकिंग ये वो सारा। हाँ। मैदा की भी मेहंदी है। मुझे तो डांट के बोला था मेहंदी लगानी जरूरी है। मैंने तो बोला था, सख्ती से बोला था, आपको टाइम नहीं मिला होगा। सॉरी रियली, वाकई वरना मुझे तो इतना है कि मैं हर वक्त ही लगाए रखूं। अच्छा, फैसल कैसे गुजरी है ईद? बहुत अच्छी गुजर रही है, मैं बड़ा खुश हूँ। मेरी मदर आजकल अमेरिका से आई हुई है, उनके साथ बहुत मजा आया कल ईद गुजारने का। हमारे यहाँ कुर्बानी आज होगी, कल नहीं हमने की थी, और बस मिलना मिलाना रिलेटिव्स में। किसी के यहाँ बोल रहा था वरना आप क्या बोल रहा था, वो वाला सीन होता है। नहीं exactly. अभी पुराना ट्रेडिशन नहीं करते कि द मोस्ट बिलेवर्ड सन ऑफ द फैमिली। यहाँ पे किसी के दिल से आवाज आई है, बता मुझे, शुक्र अल्लाह मेरे ऐसा कानून नहीं भेजा। कुछ और जिबावी बात तो नहीं होगा? नहीं नहीं, कुछ जिबानी होने वाला, लेकिन घर में तफरी बहुत होती है। बच्चों की पैदाइश के बाद से अम्मा जरा कॉलर हाई कर गए, नहीं यूजुअली ये बेटे की माया तो बेटों की पैदाइश के बाद आता है। हां, मुझे ये बात किसी ने बताई कि जो बेटों की माएं होती है ना, वो तो बूढ़ी नहीं होती। हां, वो तो और जवान हो जाती है। ये बूढ़ी नहीं होने वाली है। मैं भी कॉलर वालों को देखना इनको सुने आपके, मेरे भी अभी मेरे घर वाले देख रहे हैं, अच्छा सा लड़का। कैसे गुजर रही है? बहुत अच्छी, वही मतलब ये तो बेसिकली वही कल्चर का हमारा हिस्सा है, बहुत जोश और खरोश से हम सेलिब्रेट करते हैं, मिलना मिलाना, कुर्बानी, नमाज। ओके भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, ठीक है, गार्ड्स ऑन। अगर आप लोगों ने हमें कॉल करनी है तो हमारा नंबर है 02132563705, और बाहर से कॉल करने वालों के लिए हमारा नंबर है 00922132563705। अभी बात करते हैं सुमेता। सुमेता बताइए, किश हमें कॉलर है हमारे साथ, किश्वर लोधी कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। हेलो, वालेकुम सलाम, आपको सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, आपको भी। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, और आज बहुत प्यारा सेटअप है, बहुत प्यारी लग रही है, इतनी नाइस बतानी सकती। थैंक यू सो मच किश्वर, थैंक यू सो मच। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ हैं जी, माशाल्लाह से सब गेस्ट बहुत अच्छे हैं अपने, और इसके अलावा जी ने देखिए मैंने एक नज़्म लिखी थी। अच्छा, ये क्या कहते हैं, बहुत प्यारी, मैं चाह रही अपनी पोइम सुनाना, नज़्म मैंने इसके हवाले से लिखी थी। ओके प्लीज, इरशाद इरशाद। अच्छा, ईद की खुशियों की दूं सबको मुबारकबाद में,
हेलो जी जी, ईद की खुशियों की दो सबको मुबारकबाद में जी, लिख जाऊं कुछ ऐसी गजल, हो जाऊं सबको याद में। वाह हाँ, बस्ती में मेरे चांद जब उतरे नवीदे ईद का, बस्ती में मेरे चांद जब उतरे नवीदे ईद का, मुस्काएं चेहरे फूल से, कर जाऊं सबको शाद में। क्या बात है, क्या बात। और खुशियां मिले हर एक को, रोशन रहे हर एक नजर, खुशियां मिले हर एक को, रोशन रहे हर एक नजर, भर आए सबकी ख्वाहिशें, याद आऊं सबको बाद में। वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत बहुत। कायम रहे हिद्दत मेरी, कायम रहे हिद्दत मेरी, हिद्दत में हो जिद्दत मेरी, सर्दी की ठंडी शामों में कहलाऊं ऐसी आग में। वाह क्या बात। अच्छा, हर रोज हो खुशियां आया, हर ईद गुजरे शाद माँ, हर रोज हो खुशियां आया, हर ईद गुजरे शाद माँ, किश्वर की है यही दुआ, कह जाऊं ऐसा आज में। वाह वाह क्या, बहुत खूब बहुत खूब। किश्वर की अपनी है, किश्वर ये आपने खुद लिखी है? जी जी मेरी। क्या बात है दीदी, क्या बात। तैयार करें किश्वर। ये बताएं कि बैकग्राउंड में मुर्गे की आवाज क्या है? ये तो बकरे की आनी चाहिए, मुर्गे की कुर्बानी कौन दे रहे हैं भाई? मुर्गे की आवाज आती है, आवाज आ गई, आवाज मैंने पहचान ली है। थैंक यू सो मच किश्वर कॉल करने का, बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से। किश्वर चली गई, किश्वर ने एक गजल सुनाई। अगर आप लोगों में से किसी को शेर और शायरी से शौक, कलेजी तो पास करना, मुझे पता था, मुझे पता था कि कलेजी में जाएगा इसका। इतना बड़ा कलेजी की और ये माया खान के लिए नहीं है, चक्कू नहीं, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा एक बिल्कुल जरा सी, जरा अरे ये जरा सी आप है। लेंगे नहीं? वाह पूरी डायरेक्ट भाई, वाह मैं मजा आ गया। वैसे कितने कैलोरीज बढ़ गए अब चेक करो। गुलाबशा से पूछा जाएगा जो लेकर आए। गुलाबशा बताएंगी अभी ये भाई इसकी बात कर रहा हूं। इसका मैं एक सुनाती हूं। तुम तकल्लुफ को भी अखलास समझते हो फराज, दोस्त होता है नहीं हर हाथ मिलाने। वाह 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 क्या बात, क्या बात। शारजा की कराची से कॉल है। हेलो शाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। माया यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। आई लव इट। और सबको मिस्टर हुएवर रुखसाना फैशन मलिक सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ये खैर मुबारक। आज क्यों इतने वो लग रहे हैं, थोड़ा सा चार्ज हो जाएं। अभी ये एक तरफ कलेजी चल रही है, एक तरफ डॉक्टर साहिबा बैठी है, सामने न्यूट्रिशनिस्ट है, वीकेंड आपने कहा तो मैं थोड़ा दब के बैठा हूँ। और आप लोग सारे जब झूठ बोल रहे हैं ना, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, तो मैं क्या बोलूँ, मतलब अब थोड़ा सा चार्ज होना शुरू। ये कहना चाह रहे हैं आप झूठ बोल रही हैं। मिस्टर हुएवर एक ही दफा चार्ज होंगे इकट्ठा। ये देखिए जो आया आपके जो वीकेंड का जो था टीवी वीकेंड आपने किया था वो बहुत ही जबरदस्त, स्पेशली आपका सेट बहुत जबरदस्त लग रहा है। थैंक यू। बहुत ही अच्छा, मतलब जिसने भी करा है डेकोरेट बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नवाज। जी जी, आपने मैंने शुरू से आपके फर्स्ट से देख रही हूँ, डे बाय डे यू आर गेटिंग प्रोग्रेस, कीप इट अप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस अपनी दुआओं में ऐसी मोहब्बतें बस बनाए रखिएगा, जहाँ कुछ अच्छा ना लगे तनकीद कीजिएगा ताकि मैं उसको मजीद बेहतर कर सकूँ, अपनी असलाह खुद कर सकूँ। बहुत शुक्रिया, नवाज़िश, आदाब आदाब, बहुत सारी मोहब्बतें और ईद मुबारक आपको। अब ये घर वालों को सबको जल्दी बता भी देती कि क्या बनाया आज खाने। आप लोग कुर्बानी वाला गोश्त फोश सब लोग खा लेते हैं बड़े मजे से, पाल लिया हो तब तो ज्यादा हो जाता है यही असल कुर्बानी। हाँ, आज का सवाल है कि भाई बकरीद के दिन कौन जो है आप लोगों के घरों में बकरा होता है, मर्द या घर के मर्द या घर की औरतें? कुर्बानी से पहले जो है वो मर्द होते हैं, कुर्बानी के बाद औरतें होती हैं।
जल्दी से चूड़ियां नहीं दे सकता। दे दे, ले जाऊंगा।